नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर के छात्रों ने जमकर आंदोलन किया है, जिसकी जगह जगह से तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है। लेकिन कल ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले चुका था। कल बिहार के आरा जिले में आरा रेलवे स्टेशन पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी छात्रों और पुलिस के बीच। इस बीच आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन के लास्ट बोगी को आग के हवाले भी कर दिया गया था, जिसके बाद अधिकारियों का बयान आधी रात को सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। जायज तरीके से रखी और आपकी मांग को हम लोग पहुंचाएंगे। डीआरएम साहब तक इनका मांग पत्र भी हम लोग प्रेषित किए हैं। डीआरएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, अभी कोई वैसी स्थिति नहीं। सर, काफी छात्र उग्र थे, उन ऐसे छात्रों को क्या चिन्हित किया गया सर? बिल्कुल, सारी वीडियोग्राफी हुई है, चिन्हित भी हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी। सर, कल गणतंत्र दिवस के ऊपर भी इन्होंने कहा है कि कल भी ये प्रदर्शन करेंगे। नहीं, पूरा प्रशासन और पूरा पुलिस प्रशासन हम लोग मुस्तैद हैं, इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी। सर, ट्रेन में भी तोड़फोड़ और यानी कोशिश की गई, कुछ क्षति पहुंची है, इस तरह का उन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश की संपत्ति है, इस तरह का उनको समझ विकसित करनी होगी। तो आपने सुना इन अधिकारी के बयानों को, उन्होंने किस तरीके से बताया है कि छात्रों के द्वारा जो आंदोलन हुआ है वो काफी उग्र हो चुका था और डीआरएम को भी अब पत्र लिखा जा रहा है उनकी मांगों को लेकर के। लेकिन छात्रों के द्वारा ये जो क्षति की गई है, ट्रेन को पहुंचाई गई है, ट्रेन को आग के हवाले करने की कोशिश की गई है, वो अच्छा काम नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक सरकारी संपत्ति है। आप बैठकर बातें कर सकते थे, लेकिन आपको ट्रेन में आग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वहां मौजूद अधिकारी ने बताया है। आपको फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ट्रेन की बोगी किस तरीके से आग की लपटों में लहक रही है। बता दें कि यात्रियों को कोई हताहत नहीं हुई थी। वहीं आग बुझाने पुलिसकर्मी ने बताया कि आग भयानक लगी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने आग को किसी तरीके से बुझा दिया। घटना के संबंध में आरा सदर एसडीएम ज्योति सहदेव ने भी बताया कि उपद्रवी छात्रों द्वारा सासाराम आरा पैसेंजर ट्रेन में आग लगी और तोड़फोड़ की गई। पुलिस मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आरा रेलवे स्टेशन के पास अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस अब भी वहां मौके पर मौजूद है कि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो जाए। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।